नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीएसएससी के द्वारा तृतीय सचिवालय सहायक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 14 अप्रैल से फॉर्म फिलअप किया जाएगा, 17 मई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको बताएं कि परीक्षा का डेट का के बारे में जो है वो आयोग के द्वारा कुछ नहीं कहा गया है, कोई भी टेंटेटिव डेट भी नहीं बताया गया है, लेकिन एक सूचना दी गई है कि आप परीक्षा के दौरान किताब ले जा सकते हैं। यानी कि सचिवालय सहायक का जो परीक्षा लेगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, उसमें आप पुस्तक ले जा सकते हैं पीटी परीक्षा में। जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग संचालन नियमावली 2010 की कंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए 1 पुस्तक ले जा सकते हैं। ये खंड है सामान्य अध्ययन, दूसरा खंड है गणित और तीसरा है सामान्य विज्ञान। पुस्तकों में एनसीईआरटी, बीएसईबी और आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ ले जाने वाले पुस्तकों पर अपना नाम एवं रोल नंबर अवश्य अंकित कर देंगे। परीक्षा के समय पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतया वर्जित रहेगा। अभ्यर्थी के पुस्तक में रोल नंबर एवं नाम के अतिरिक्त कुछ भी अलग से लिखा पाए जाने की स्थिति में या टेक्स्ट बुक के अतिरिक्त अन्य सामग्री ले जाते हैं तो उनका अभ्यर्थित्व रद्द करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि पुस्तक के साथ जो है आप सचिवालय सहायक का एग्जाम दे सकते हैं और 3 खंड के लिए 3 पुस्तक ले जा सकते हैं। जनरल जो नॉलेज होता है उसके लिए, फिर से मैथ और जनरल साइंस के लिए अलग अलग टेक्स्ट बुक, जो कि एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड का आता है और आईसीएसई बोर्ड का भी किताब ले जा सकते हैं, और बीएससी यानी कि बीटीसी की पुस्तक भी या किसी अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक को ले जा सकते हैं। गाइड ले जाना पूर्णतया मना है। तो आपको बताएं कि पहले भी सचिवालय सहायक के पीटी परीक्षा में आप किताब ले जा सकते हैं, लेकिन किताब से कितना फ़ायदा होता है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक ले जाते हैं तो किसी एक क्लास का ले जाना होगा आपको, और ज़रूरी नहीं है कि साइंस के क्वेश्चन जो है उसी से पूछा जाए, या फिर गणित ले जाते हैं, या फिर आप जो जनरल अवेयरनेस का जो बुक है वो ले जाते हैं एनसीईआरटी या किसी भी बोर्ड का, तो ये ज़्यादा फायदेमंद तो नहीं है। लेकिन हाँ, इतना है कि पुस्तक ले जाने की आपको छूट दी गई है। कभी कभी पुस्तक ले जाना जो है वो ज़्यादा नुकसानदायक भी हो जाता है, क्योंकि समय जो है वो 120 मिनट ही है और क्वेश्चन 150 है, और एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 4 नंबर मिलेगा, निगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको बताएं कि सचिवालय सहायक में पुस्तक ले जाना है और पुस्तक आपस में आप आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, और किताब पर जो है केवल आपका नाम और रोल नंबर अंकित होना चाहिए। तो किताब को भरोसे आप ना रहें और तैयारी पर अपना ज़्यादा जोर दें, क्योंकि किताब जो है वो कहने के लिए है, उससे उतना मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, गाइड ले जाने का अगर अनुमति दिया जाता तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो सकता था, तब तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, एक लूसन लेके चले जाते, आप लगभग 70% क्वेश्चन उससे आप सॉल्व कर लेते। लेकिन किताब से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, तैयारी पर ही अपना जोर रखें। एग्जाम का डेट अभी तक नियत नहीं किया गया है, लेकिन रहमान सर के अनुसार कि जुलाई में पीटी होने की संभावना है, जुलाई में पीटी हो सकता है, तो समय है अच्छे से पूरे दिशा निर्देश को पढ़ें, अच्छे से फॉर्म फिलअप करें, कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल सब कुछ बनवा के रख लें और तैयारी में आप लग जाएं। हर एक खबर आपको, हर एक अपडेट आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।